नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश में अब 50 की उम्र पार कर चुके निकम्मे अधिकारियों कर्मचारियों पर जबरन रिटायरमेंट का चाबुक चलना शुरू हो चुका है। यानी कि काम में कोताही बरतने वाले और दागदार छवि वाले अधिकारियों कर्मचारियों की योगी राज में अब खैर नहीं। गुरुवार को यूपी सरकार ने ऐसे 16 अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिराते हुए साफ कर दिया कि अगर सरकारी मुलाजिम रहना है तो ईमानदारी के साथ काम करना ही होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग के 22 इंजीनियर्स पर फोर्स रिटायरमेंट का चाबुक चला चुकी है, जबकि 3 दर्जन इंजीनियरों पर बर्खास्तगी की घास गिर चुकी। साथ ही 42 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार अभी भी लटक रही। दरअसल भ्रष्टाचार पर सरकार शुरुआत से ही जीरो टॉलरेंस की बात करती आ रही है। योगी सरकार ने केंद्र सरकार की ही तर्ज पर ऐसे अफसरों के खिलाफ पहले ही कदम उठाने का ऐलान किया था जो कर्मचारी काम चोरी करते हैं और जिनका काम संतोषजनक नहीं। आपको बता दें कि सरकारी नियमावली 56 में ऐसा प्रावधान है जिसके तहत सरकार 50 साल के किसी भी कर्मचारी को 3 महीने का नोटिस देकर उन्हें पद से रिटायर कर सकती है। हालांकि काबिलियत आंकने को लेकर सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से भ्रष्टाचार को रोकने में काफी मदद मिलेगी। उधर छत्तीसगढ़ की रमन सरकार भी अब इसी रास्ते पर चल पड़ी। या तो अगर आप यूपी में सरकारी नौकरी करते हैं, अगर 50 की उम्र को पार कर चुके हैं, काम में कोताही बरत रहे हैं तो संभल जाइए, नहीं तो आप भी बाहर किए जा सकते हैं। क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री अब सख्त हो चुके हैं। निकम्मे कर्मचारियों और अफसरों को सरकार जबरन रिटायरमेंट दे रही, यानी उन नौकरशाहों पर नकेल कसी जा रही है जो कि निकम्मे हैं, काम से बचते हैं, जिनके टेबल पर महीनों फाइल धूल फांकती रहती है, जो दफ्तर सिर्फ दलाली के मकसद से पहुंचते हैं। अब ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की खैर नहीं है। कुछ तो निकाल दिए गए और कुछ पर कार्रवाई की तैयारी। सरकार के बदले रुख से हालांकि कर्मचारियों में हड़कंप है। गुरुवार को 3 डीएसपी और 5 वाणिज्यकर अफसरों समेत 8 बीएसएस स्तर के अफसरों सहित कुल 16 लोगों को जबरन सेवानिवृत्ति दी गई। अभी दूसरे तमाम विभागों के कई अफसर कर्मचारी कार्रवाई की जद में भी हैं। आप भी देखें ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अब निकम्मे अधिकारियों और कर्मचारियों की खैर नहीं। कामकाज में कोताही बरतने वाले और दागदार सरकारी कर्मचारियों पर अब यूपी सरकार गाज गिरा रही है। ऐसे सरकारी मुलाजिम को जबरन रिटायरमेंट दिया जा रहा है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार 16 अफसरों को जबरन रिटायरमेंट देकर ये जता दिया कि अब काम करोगे तभी सरकारी मुलाजिम रहोगे। आइए आपको बताते हैं कि किन अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया है। डीएसपी रैंक के केशराज सिंह, कमल यादव, शिवराज सिंह और वाणिज्य कार के एडिशनल कमिश्नर केशव लाल, ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर अनिल अग्रवाल और हरिराम चौरसिया, डिप्टी कमिश्नर कौशलेश और असिस्टेंट कमिश्नर इंद्रजीत यादव। इनके अलावा शिक्षा विभाग के बीएसएस स्तर के 8 अफसर भी शामिल हैं। दरअसल योगी सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर ऐसे अफसरों के खिलाफ कदम उठाने का ऐलान पहले ही कर दिया था। उन अफसरों पर काज गिराने का फैसला लिया गया था जिनका कामकाज संतोषजनक नहीं है। सीनियर पीसीएस अधिकारी रणजीत सिंह तुहण पर गाज गिर चुकी है। पीडब्ल्यूडी के 22 इंजीनियरों पर भी सरकार रिटायरमेंट की चाबुक चला चुकी है। 3 दर्जन इंजीनियर बर्खास्त किए जा चुके हैं। 42 वरिष्ठ पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। साफ साफ कहा गया है कि ये सख्ती लगातार जारी रहेगी। देखिए, सरकार को काम करना है और जो काम दिखाई पड़ना चाहिए जनहित में जो जितना भी आवश्यक होगा वो सब करना, जो जिसके काम में थोड़ी ढिलाई मिलेगी या कुछ और मिलेगा वो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। जहां काम सफर हो रहा होगा वहां ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी दफ्तरों में काम चोरी रोकने के लिए मुख्य सचिव की ओर से ये सभी विभागों को अपने यहाँ के 50 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कराने को कहा गया था। सीएम दफ्तर ने सभी विभागों से जानकारी मांगी थी किसके पास कितने दिनों से फाइल अटकी हुई है। फिलहाल 40 लाख कर्मचारी स्क्रीनिंग के दायरे में आ रहे हैं। यूपी के 9 लाख राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें 20% 50 से ज्यादा उम्र के हैं। निगम कर्मचारियों की संख्या 1,25,000 है, जिसमें 25% कर्मचारियों की उम्र 50 साल से ज्यादा है। सूबे में 3 लाख निकाय कर्मचारी हैं, जिनमें 25% 50 के पार है। पावर कॉर्पोरेशन में 1,25,000 कर्मचारियों में 20% की उम्र 50 से ज्यादा है। यूपी में 70,000 इंटर कॉलेज शिक्षक हैं, जिनमें 30% शिक्षकों की उम्र 50 के पार है। वहीं 30,000 इंटर कॉलेज शिक्षणोत्तर है, जिनमें 25% की उम्र 50 से ज्यादा है। आपको बता दें कि सरकारी नियमावली 56 में ऐसा प्रावधान है।
जिसमें 50 साल के किसी भी अफसर को 3 महीने का नोटिस देकर अपने पद से रिटायर किया जा सकता है। सरकार मानती है कि 50 के बाद कोई भी अधिकारी और कर्मचारियों के खराब रवैये में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अनिवार्य सेवा जो 50 साल के उसमें गवर्नमेंट ने जो चलाया है, ये स्वतः अपने आप में गलत है। इसलिए गलत है कि 50 साल की सेवा के बाद ही व्यक्ति के परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। काबिलियत आंकने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सरकार की इस मुहिम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की उम्मीद है। मैं सरकार जैसा वादा करके आई थी कि सरकारी सिस्टम को पारदर्शी बनाएंगे और जनता के बीच यह विश्वास पैदा करेंगे, ये जनता की सरकार है। हम एक जगह राज्य कर्मचारियों का, सचिवालय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरी जगह हम जनता के रूप में भी हैं। अगर जनता के रूप में देखा जाए तो मैं इसका स्वागत करूंगा, और सरकारी मशीनरी में जहां जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी सघन तलाशी की जानी चाहिए और ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि वास्तव में देश और प्रदेश बदल रहा है। मोदी सरकार ने ग्रुप ए के 30 और ग्रुप बी के 99 अफसरों को रिटायरमेंट किया है। अब यूपी में योगी सरकार ने निकम्मे अधिकारियों पर रिटायरमेंट का डंडा चलाया। सरकार के इस कदम से नौकरशाही में हड़कंप मचा हुआ है। लापरवाह और नकारा अफसरों को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सख्ती के चाबुक का पहला सिलसिला भी सामने आ चुका है। हालांकि इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इसके जरिए घूसखोरी पर लगाम लगने और गुड गवर्नेंस के बाबत आवाम में फील गुड की उम्मीदें भी जग गई हैं। कैमरा पर्सन गणेश के साथ ज्ञानेश शुक्ल, APN, लखनऊ। उधर फोर्स रिटायरमेंट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के फरमान से भी हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने यह साफ कर दिया कि अगले 10 दिनों में सभी विभागों से कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाए। सरकार के इस फरमान से निकायों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि 50 वर्ष की आयु और 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके धागे और अक्षम अधिकारियों कर्मचारियों को रिटायर करने शासन ने अब निकायों पर दबाव बनाया है, और इसके लिए 13 नवंबर को ही शासन ने निकायों में छानबीन समिति गठित की। प्रत्येक निकाय में 3-3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें निकाय के कमिश्नर या CMO को अध्यक्ष बनाया गया। निकाय के ही वरिष्ठ अधिकारियों को बतौर सदस्य शामिल किया गया। गठन के 24 घंटे के भीतर ही नगरी प्रशासन विभाग ने एक और फरमान जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया कि समितियां 10 दिनों के भीतर संबंधित कर्मचारियों के अभिलेखों की छानबीन और समीक्षा करने के बाद कार्रवाई भी करें। इतना ही नहीं, समय सीमा में कार्रवाई की रिपोर्ट भी शासन को पेश करनी होगी। हालांकि इस मामले को लेकर बुधवार को एक बैठक बुलाई गई जो ऐन वक्त पर स्थगित कर दी गई, जिसके बाद कर्मचारी संघ ने दावा किया था कि उनके विरोध की वजह से इस बैठक को स्थगित करने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा। इस स्तर पर हमने इस मुद्दे पर एक विरोध करते हुए धरना दिया, मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा। उसके पहले जब पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को बर्खास्त किया गया तो हमने प्रदर्शन किया, वन विभाग के लोगों को बर्खास्त किया गया तो प्रदर्शन किए। कुल मिलाकर के अब हमको ये लगता है कि मंत्रालय में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की उपेक्षा कर रहे हैं, उनका कहना नहीं मान रहे। या तो 50 की उम्र पार कर चुके निकम्मे अधिकारियों कर्मचारियों पर जबरन रिटायरमेंट का चाबुक चलना शुरू हो चुका है, यानी कि काम में कोताही अब भारी पड़ सकती है। सरकार का ये फैसला आने वाले वक्त में कितना परिवर्तन ला सकता है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी मुलाकात अपने दर्शकों से कराता हूं। मेरे साथ लखनऊ से KK पांडे जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रभूषण पांडे जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही यादवेंद्र मिश्रा जी हैं, आप अध्यक्ष हैं सचिवालय सेवा संघ के, और छत्तीसगढ़ से विजय झा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आप महामंत्री हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़, आप स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत संजीव मिश्रा जी मैं आपसे ही करूंगा, आज 50 के पार हो सकते हैं बेकार, कितना जरूरी है ये कदम सरकार के लिए? देखिए अक्षय जी, 2-3 चीजें रखना चाहूंगा जी। एक तो सबसे पहली बात है कि अभी कर्मचारी नेता कह रहे थे कि 50 वर्ष के ऊपर जो कर्मचारी अधिकारी हो जाते हैं उन पर जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा जी कि अगर सरकार को या सरकार की या राजनीतिक दल जिनकी सरकारें हैं उनकी ये मंशा थी कि इससे भ्रष्टाचार दूर होगा, काम में तेजी आ जाएगी, तो इनको तो सबसे पहले अपने ऊपर ये काम शुरू करना चाहिए था।
जो केंद्र की सरकार है इनकी और जो प्रदेश की सरकार है, मैं तो कहूंगा कि 50 वर्ष से ऊपर की आयु के जितने भी मिनिस्टर्स हैं आपके यहाँ, आप पहले उनको हटाते कि 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को मंत्री नहीं रखेंगे, चाहे वो भारत की सरकार हो चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हों। तो शुरुआत तो आपको अपने तरफ से करनी चाहिए थी। और अब मैं समझता हूँ कि ये तो जो नए लोगों की नियुक्तियां होती, उनमें अगर ये फार्मूला लागू होता कि नियुक्ति के वक्त ही आप कहते कि 50 वर्ष तक के ही हम दे रहे हैं, 50 वर्ष के ऊपर हम जो है नौकरी से आप लोगों को हटाने की बात करेंगे या नौकरी नहीं दे पाएंगे। संजीव मिश्रा जी, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है ना, इस पर नियम तो पहले से ही है, ये नियम सुनिए बनाएगा। अक्षय जी ये नियम वहां लागू होते हैं जहां पर आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, आप उसको रिटायरमेंट कर दे देते हैं, मुझे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ये कैसे पैमाना तय करेंगे कि ये आदमी जो है ये भ्रष्ट है या ये आदमी निकम्मा है, जो शब्द आपने यूज किया शुरुआत में, अक्षय जी आपसे कहना चाहता हूँ, ये निकम्मा है, ये कामचोर है कर्मचारी, ये कैसे तय करेंगे? और अगर इसमें पक्षपात हुआ तो, क्योंकि अब तो लड़ाइयां जातियों के आधार पर होने लग गई, ऐसा ना हो कि इसमें पक्षपात हो और किसी वर्ग विशेष का नुकसान किया जाए। तो कृष्णकांत पांडे जी, आपको भी एक चिंता सता रही है, जनमत संजीव मिश्रा जी और उनकी पार्टी को ये समस्या दिख रही है कि आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती है, तो आप भी इससे परेशान है क्या? देखिए अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जब जब उसका पिछला रिकॉर्ड रहा है कि वो जब जब सत्ता में आई है, वह कर्मचारियों का शोषण दोहन उसके मुख्य एजेंडे में रहा है। उसका कारण है कि बीजेपी का मुख्य मुद्दा क्या है, मुनाफाखोरी और चोरी, और कर्मचारियों का शोषण उनके एजेंडे में है। अटल जी ने, जब अटल जी की सरकार बनी थी तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कर्मचारियों और अधिकारियों की टेंशन समाप्त कर दी गई थी। किसी और अधिकारी और कर्मचारी जितना अपनी तनख्वाह के लिए परेशान नहीं होता है, उससे ज्यादा वो अपनी पेंशन के लिए चिंतित रहता है, क्योंकि उसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा वह पेंशन होता हर अधिकारी और कर्मचारी के लिए। अटल जी ने पूरे देश में समाप्त किया। मोदी जी की सरकार आई और केंद्र सरकार के 74 विभाग ऐसे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के कार्मिक राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी 30 मार्च 2017 को राज्यसभा में उनका बयान कह रहा है कि 89% कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं, कमी आई है उनके रोजगार नियुक्ति में, कमी आई है। 74 विभाग ऐसे है जिसमें 7 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको पद रिक्त है, जिसमें रेलवे वगैरह तमाम विभाग है, आज तक उसमें नियुक्ति नहीं की गई, 40 महीने की सरकार हो गई। हाँ, अगर 50 साल जैसा कोई मुद्दा या सरकार नहीं ले आती, तो चूंकि जोगी जी उसी नियम और उसी परिवार के पालक हैं, तो हम लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे उत्तर प्रदेश में जोगी जी की सरकार यह पहली ऐसे कैसे आ गई जो कर्मचारियों का शोषण करने से वंचित रह गई। इसलिए जोगी जी की सरकार से कर्मचारियों को निश्चित रूप से यह उम्मीद रखनी चाहिए थी कि यह शोषण और यह दोहन उनसे निश्चित रूप से किया जाएगा। दूसरी चीज, सातवां पे कमीशन, 7 पे कमीशन अब तक आ चुका, कर्मचारी संघ के हमारे बड़े सचिवालय के नेता बैठे हुए, वो बताएंगे। 7 पे कमीशन आ चुके हैं, अधिकांश पे कमीशन हमारी सरकार में आए होंगे। 6ठा पे कमीशन हमने जारी किया मनमोहन सिंह की सरकार में, जिसमें 42% हमने बढ़ा के तनख्वाह दिया, तनख्वाह पेंशन। और वह दौर क्या था, 2009-10 का दौर था, जब पूरा देश आर्थिक पूरी दुनिया आर्थिक मंदी। पांडे जी, उससे भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, जहां तक उससे भ्रष्टाचार के खात्मे में कुछ ज्यादा मदद तो नहीं मिली? अच्छा जी बता रहा हूं, जिसमें अमेरिका के बड़े बड़े बैंकों का दिवाला हो गया था, उस समय भी मनमोहन सिंह ने 42% बढ़ा के दिया। 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए सबसे अब तक का कम फायदेमंद वेतन आयोग रहा है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है कि इससे अगर सरकार कर रही है भ्रष्टाचार रुकेगा, तो देखिए भ्रष्टाचार तो रिटायरमेंट करने से नहीं रुकेगा, सरकार की हनक और इकबाल भ्रष्टाचार को रोकेगी।
मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ सरकारें ऐसी भी आती हैं, आई हैं इस बीच में, जो इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों से अच्छा रिजल्ट पाई है। आज आप रिजल्ट इन कर्मचारियों से अच्छा लेने के बजाय इनको घर बैठा रहे हैं। 50 साल की उम्र एक देखिए लिखित में और प्रैक्टिकल में दोनों में बड़ा अंतर होता है। जब तमाम जिम्मेदारियां व्यक्ति की इस उम्र में होती है तो आप उसको नकारा करके घर भेज रहे हैं, एक तो मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करने का काम हो रहा है, उसके बच्चे गांव पुर मोहल्ले देहात में लोग उससे कहेंगे ठीक है। यानी कि इस मसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राय एक है कि ये प्रताड़ना है कर्मचारियों के साथ, उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। यादवेंद्र मिश्रा जी, काम लेने का मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। यादवेंद्र मिश्रा जी, आप इस कदम को किस नजरिए के साथ देख रहे हैं? देखिए, पहले तो यह तय किया जाना चाहिए कि ये 50 वर्ष के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देने का मतलब मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सेवा योग्य नहीं पाया जा रहा है, किसी के मौखिक कह देने से या किसी के पार्शल होकर के लिख देने से किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो कि गलत काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन्हें बेचारे की संज्ञा दे करके मैं कहता हूं जितने लोगों को सेवा से निकाला गया है या जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनकी सिर्फ संपत्तियों की जांच कर ली जाए तो वो बेचारे नहीं मिलेंगे। ऐसे सारे लोग एक समाज में मैसेज देते हैं और समाज में उसका पड़ोसी ये समझता है कि कल ये 10 साल इसकी सेवा आई हुई और इसने इतनी अकूत संपत्ति गठित कर ली, हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसे लोग समाज को भी गंदा करते हैं। जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर जो कर्मचारी उसके साथ में काम कर रहा है वह देखता है कि यह व्यक्ति इतना कमाता चला जा रहा है, मैं भी उतना ही वेतन पा रहा हूं, यह भी उतना वेतन पा रहा है, लेकिन आखिरकार इसकी संपत्ति इतनी क्यों। इसके लिए सरकार ने आज ही नहीं, यह एमजीओ में व्यवस्था है, फाइनेंशियल हैंडबुक में व्यवस्था है, यह लागू नहीं की गई, अब लागू की जा रही है। मैं सरकार के नजरिए से बात नहीं कह रहा, मैं एक संगठन के नजरिए से कि क्या पीढ़ी को खराब कर दिया जाए, जो कुछ अराजकता चल रही है चाहे सरकारी सिस्टम में चल रही हो या सामाजिक सिस्टम में चल रही हो, लोग कहे कि नहीं साहब मुझे पसंद है, तो इस आधार पर अराजकता को मैं कहता हूं पिछली सरकार भी खत्म करती, हम उसका स्वागत करते। इस सरकार खत्म करने के लिए तैयारी कर रही है, हम इसका स्वागत कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। कृष्णकांत पांडे जी, कुछ जवाब देना चाहेंगे? नहीं, यह जो 50 साल की उम्र में जो इस तरह से सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को उनकी सेवा समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम नहीं है। यह किसी कर्मचारी नेता के कह देने से स्वागत योग्य कदम हम नहीं मान लेते हैं। नहीं तो इसके पहले ये देख लिया जाए कि नहीं तो आपके कहने से मान लेना चाहिए। नहीं, कृष्णकांत पांडे जी, ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है, पांडे जी आपके कहने से मान लेना चाहिए कि सरकार का ये कदम गलत है। अगर कहीं पर दीमक लग रही है उसकी सफाई अगर की जा रही है, ये ऐसे कर्मचारियों के लिए तो ये नियम लागू नहीं है ना सर? नहीं, अच्छा जी, कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर आज सब देखिए कुल मिलाकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि 50 वर्ष के लोग हटाए जा रहे हैं। मिश्रा जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, जो अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हर कर्मचारी को आप भ्रष्ट नहीं कर सकते, हर व्यक्ति को ईमानदार नहीं कर सकते। सर उसके लिए तो स्क्रीनिंग कमेटी है ना, चल रही है बार बार सस्पेंड हो रहे हैं, उसके लिए तो स्क्रीनिंग कमेटी। और ये स्क्रीनिंग कमेटी किस तरह की होती है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं आऊंगा चंद्रभूषण पांडे जी, पूरी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन विजय झा जी से मैं जरूर लूंगा। आप छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। विजय झा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी यूपी सरकार की तर्ज पर ही आगे कदम बढ़ा रही है, ये फैसला आप किस नजरिए के साथ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है, या फिर आपको लग रहा है कि सफाई करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त अगर शासन प्रशासन देना है तो उसकी दिशा में ठीक कदम है? जा साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चले, शायद संपर्क विजय झा से नहीं हो पा रहा है, हम उनके पास जाएंगे। संजीव मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा।
उससे पहले चंद्रभूषण पांडे जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, इस बात को लेकर सरकार ने क्या कुछ व्यवस्था की है कि दुर्भावनावश किसी पर कार्रवाई ना होने पाए, यानी कि किसी निर्दोष के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो पाए, इस पर भी नजर है सरकार की? देखिए निश्चित रूप से, देखिए दो तीन चीजें मैं अभी जो सवाल है उसको भी थोड़ा लेते हुए और आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए कोई भी लोकतांत्रिक देश में, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होती है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनता को एक प्रभावी सेवाएं अगर मुझे देना है तो हमारी जो स्थायी कार्यपालिका है, नौकरशाही है, उसको दक्ष बनाना पड़ेगा। योगी जी का मानना है कि 3 E, इफिशियंसी, इफिकेसी और इकोनॉमी, जो सर्विसेस है वो मितव्य कम लागत पर प्रभावी सर्विसेज दक्षता के साथ जनता के बीच पहुंच सके, और लोक कल्याणकारी का जो एक सपना है एक राज्य को सफल होने का, तो मूलभूत सेवाएं जनता को एक समयबद्धता में पहुंचा सके, इस मूल उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारी पूरी पूरी जो फोकस है, जवाबदेही वो जनता है। नौकरशाही में जो बात है, फंडामेंटल रूल 56 कोई आज का नहीं, कांग्रेस सरकार के समय का बना हुआ है, और उस रूल में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे लोग जो अक्षम है, जो कदाचारी है, जो कहीं ना कहीं से लोक कल्याणकारी राज्य के सपने को फलीभूत होने में बाधक है, और जो सबसे बड़ा तत्व है अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का। देखिए अगर आप राजकीय सेवा में आते हैं तो आपकी कुछ जवाबदेही भी बनती है। हम आपको वेतन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, सम्मान देते हैं, उसके साथ कुछ जवाबदेही है। अगर कोई अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहा है, वो श्रृंखलता के साथ आचरण कर रहा है, तो सरकार को अधिकार है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो नियोक्ता होता है, नियोक्ता को पावर है, वो एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाए, 50 वर्ष के ऊपर के लोगों का पूरे सेवा काल का उनका एसीआर देखे, और उसको गुण दोष के आधार पर तथ्यात्मक रूप से उसका विश्लेषण करे। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख कर्मचारी ऐसे हैं, डी सी बी और ए मिला के 2 लाख के ऊपर कर्मचारी ऐसे जो 50 साल के ऊपर हैं, और उसमें हमने इनका परीक्षण अभी विभागवार हम कर रहे हैं। अब केशव लाल के घर पे 10 करोड़ बरामद हुआ जी। इसमें बीएसएस की मैं लिस्ट देख रहा था, बीएसएस में कोई ऐसा बीएसए नहीं है जो करोड़पति नहीं है, और सब पुरानी सरकारों के आंखों के तारे थे। संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं मांगते? भ्रष्टाचार के साथ नहीं खड़े हो सकते। केशव लाल के यहाँ आयकर के छापे पड़ चुके हैं, उसमें कई एक बीएसएस हैं उनके यहाँ भी छापे पड़ चुके हैं। देखिए और जो नहीं पड़े वो पड़ेंगे, और मैं मानता हूँ आज जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हमारी कोशिश ये है कि गरीब जनता के खून पसीने की कमाई को लूट करके मोटा होते नौकरशाह, जो जवाबदेही के तत्व पर शून्य उतर रहे हैं, जिनके लिए दक्षता, प्रभावीता और सेवा की गुणवत्ता का कोई मायने नहीं है, जिनके लिए लोक कल्याणकारी राज्य का सपना जो है कहीं दिखता नहीं, उनका निजी सपना है, घर का सपना है, लूट का सपना है, योगी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, और इस देश की गरीब जनता को आर्थिक आजादी देने के लिए, इस देश की गरीब जनता को एम्पावर करने के लिए, और श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के निर्माण करने के लिए अगर नौकरशाही पर नकेल कसनी पड़ेगी, हम समझौता नहीं करेंगे। ठीक है संजीव मिश्रा जी, कुछ कहना भी चाह रहे थे, संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। अगर अगर कानून व्यवस्था मसला हो या फिर विभागीय किसी भी तरह के मामले हो, तो आप लोग तो सीधा मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर जो कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बरतता है, भ्रष्टाचार करता है ना, उसकी कार्यशैली ठीक नहीं है, तो अगर ऐसे लोगों पर चाबुक चलता है तो फिर आपत्ति क्यों आप लोगों को? नहीं अक्षय जी देखिए, हमारी बात या तो सही से आ नहीं पा रही है या फिर तो सर सही से रखने के लिए तो बुलाया ना। मैं बहुत क्लियर कह दूं, अगर भ्रष्टाचार ही दूर करना है, अगर कर्मचारियों और अधिकारियों की आय को ही देखना है, तो ये फिर ये 50 वर्ष का पैमाना क्यों तय किया गया? भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति जब आप कह रहे हैं कि 2 ही साल में वो करोड़पति हो गया, तो फिर 50 साल क्यों? मेरा जो केवल इनके आपत्ति है, भ्रष्टाचार दूर हो हम आपके साथ खड़े हैं, भ्रष्ट व्यक्ति है उसको जो सजा मिले हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये 50 साल का पैमाना क्यों? अरे आप सरकारी कर्मचारियों की जो नियुक्ति के समय जो जब उनके अपॉइंटमेंट हुआ उस समय जो आए थी और आज की तारीख में जो आए हुई जी, मैं आ रहा हूँ एक मिनट पूरी बात कर लूंगा। तो कहने का ये मतलब है, सीधा सीधा बात है कि आप जो नियुक्ति जिन लोगों की हुई है उन सबकी आय की जांच करा लीजिए, वो किसी भी उम्र के हो, किसी कितने भी उनकी नौकरी हो गई हो और कितने भी उम्र के हैं वो, ये पैमाना नहीं तय होना चाहिए। भ्रष्टाचार दूर करना है तो 50 साल के ऊपर के लोगों की जांच क्यों कराएंगे? हमारी समझ में नहीं आता। जनता को गुमराह करना छोड़िए, अगर भ्रष्टाचार दूर करना है तो उचित पैमाना तय करिए,
कर्मचारियों चले ठीक है, ये पैमाना भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये पैमाना भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी की नजर में ये पैमाना क्या है, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक पर जाने से पहले, आप कुछ अपनी बात भी करना चाह रहे थे। साथ ही एक सवाल मेरा और भी है कि सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार है वो किसी से छिपा नहीं है, शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी, किसी तरह से तो करनी पड़ेगी, और अब ये जो कदम उठाए जा रहे हैं इसके बाद परिवर्तन की कितनी गुंजाइश नजर आती है। देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जी, कि जो आज सरकारी सिस्टम हो या सोसाइटी का सिस्टम हो जी, अगर सारे लोग इससे संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि ऐसा ही सब कुछ चलता रहे, तो वह सिर्फ ये सोच ले कि उसके बेटे का भविष्य क्या होगा, उसके पोतों का भविष्य क्या होगा, इस आधार पर वह अगर विचार कर ले आधे घंटे भी, तो वह चाहेगा कि निश्चित रूप से सिस्टम को सुधरना चाहिए, वो पार्टी कोई भी हो। हमारा आशय किसी पार्टी से नहीं है जी। अभी आपकी एक बाइट में चल रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि अभी कर्मचारी नेता एक थे, उन्होंने 50 साल का विरोध किया, वो चूंकि सचिवालय के कर्मचारी नेता है, और आपको ये बता दूं सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक के वो चेयरमैन रहे, उनको चेयरमैनशिप से ही बर्खास्त किया गया, पूरा बोर्ड बर्खास्त किया गया, वह करप्शन के भ्रष्टाचार के आरोप में बोर्ड भंग हुआ। अब ऐसे व्यक्ति को अगर सचिवालय प्रशासन विभाग सेवा से बाहर कर दे, तो क्या बतौर कर्मचारी संगठन में ये खड़ा हूँ कि नहीं साहब इन 50 साल से ऊपर है इसलिए उनको उनके बच्चे नहीं जी पाएंगे। अरे वो जनता का पैसा लेकर के, चाहे वो हो या कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो, नहीं तो अभी आपने सुना कि जैसे कृष्णकांत पांडे जी ने भी जो भी उनको शंका है, जो भी डर है, या फिर संजीव मिश्रा जी को भी जो चिंता सता रही है कि कहीं प्रताड़ित ना किया जाए, तो इस तरह के फैसले से क्या आपको लगता है कि प्रताड़ना होती है या फिर जो स्क्रीनिंग होती है उसके मापदंड सही होते हैं? मैं 4000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरे पास आज तक कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि मेरी 50 साल की उम्र है और मुझे स्क्रीनिंग कमेटी में जबरदस्ती मेरा नाम डाल के मुझको स्क्रीन आउट किया जा रहा है। एक भी व्यक्ति 4000 लोगों में नहीं आया। ये जिलों ही से क्यों निकल के आ रहा है, सचिवालय से कोई नहीं निकल के आ रहा, इसलिए कि पांडे जी आप लोगों के पास कोई पहुंचा, संजीव मिश्रा जी आप लोगों के पास या फिर पांडे जी आपके पास? अच्छा जी, दो तीन बातें हैं संक्षेप में। मैंने कहा कि कर्मचारियों को निकालने से 50 साल में समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार इकबाल और हनक से चलती है और सरकार संविधान से चलती है। जब आप पक्षपात पूर्ण जाति और धार्मिक व्यवस्था को लेकर के आप कुछ सबूत है सर इस बात के कि सरकार तो पक्षपात पूर्ण कार्रवाई कर रही है कि कुछ नहीं? अच्छा सर, कुछ सबूत के आधार पर ही तो आप ब्लेम कर सकते हैं ना। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके यहाँ डिबेट में बैठे करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो बिना सबूत की बात नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ हमको पता है कल सवाल हमसे होगा तो हमको वहां भी जवाब देना पड़ेगा, हमें पता है। दूसरी चीज, अच्छे जी स्थिति है कि अगर भ्रष्टाचारी है वो 30 साल का भी व्यक्ति हो सकता है, 40 साल का भी, 58 साल का भी व्यक्ति हो सकता है। निश्चित रूप से यादवेंद्र मिश्रा जी ने जिस बात को रखा है कि कुछ लोग ऐसे वो अपने 8-10 पुस्तों की कमाई एक ही नौकरी में कर लेना चाहते हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगर वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है जिसकी जांचें तमाम पेंडिंग है, जो कोर्ट द्वारा बार बार पनिश किया जा रहा है, विभाग द्वारा बार बार सस्पेंड किया जा रहा है, उसकी भी व्यवस्था वो टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 साल का यह नियम बहुत पहले बना है, तो नियम में संशोधन भी तमाम हुए हैं। 40 साल की उम्र तक आप नौकरी दे रहे हैं, 50 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट कंपलसरी रिटायरमेंट दे रहे हैं। कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए आखिर क्यों, ऐसा क्या है कि वही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ब्रजेश मिश्रा इतने बड़ी हैसियत के व्यक्ति वो प्रचलित हुए, एक नौकरशाह से आए थे। अजीत डोभाल जी आज मोदी जी की गवर्नमेंट में, आज जब वहां हमला होता है ISI द्वारा उस परमाणु बेस पे, उस हमले के बाद भारत का गृह मंत्री उस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, अजीत डोभाल बुलाए जाते हैं। क्यों? उस नौकरशाह की वह क्षमता है, वह दक्षता है। तो जो व्यक्ति हमेशा नौकरशाही से ही हम अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, हम नहीं जाके क्रियान्वयन कर सकते हैं। 9 लाख कर्मचारी ही हमारे उत्तर प्रदेश की तमाम योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। हम 9 लाख कर्मचारी को भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। जो भ्रष्ट है अगर उसके प्रति कार्रवाई हो रही है तो हम उसके समर्थन में हैं।
सर कार्रवाई तो सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऐसे ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मैं पांडे जी मैं आपके पास आऊंगा, तरीका क्या होना चाहिए मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। मनोज त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अध्यक्ष हैं यूपी वाणिज्य कर सेवा के, साथ ही हमारे साथ फोनलाइन पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पल्लव सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। पल्लव सिसोदिया जी बहुत स्वागत है आपका। सर क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है कि अगर 50 के पार तो हो गए बेकार, हो सकते हैं बेकार, ये ठीक है कि जिन पर आरोप लगते हैं कि काम में काम चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोगों पर इस तरह की कार्रवाई आपको लग रहा है ठीक है? देखिए जो अभी जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में मेरे पास कोई ज्यादा सूचना नहीं है जी, पर मैं कानूनी दृष्टि से आपको इतना बता सकता हूँ कि एक सरकार का अधिकार होता है कंपल्सरी रिटायर करने का। अब वो सही कारणों से किया ना किया गया ये तो कोर्टों में ही इसकी जांच हो सकती है जी। तो जो प्रभावित एम्प्लॉय है अगर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में इसकी इंक्वायरी होती तो एक अलग बात है, बाकी सरकार का ये एक तरह का विशेषाधिकार है। सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि दुर्भावनावश कार्रवाई भी सरकार की तरफ से होती है, ये जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है जो तय करती है ऐसे लोगों को चिन्हित करती है, इसमें कितनी गुंजाइश आपको लगता है कि होती है? नहीं ये तो गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने जैसा आपको कहा मेरे को इस बारे में सूचना या कुछ डिटेल्स मेरे को मालूम नहीं है जी जी, तो ये इन केसेस में कमेंट करना मुश्किल होगा, पर कोर्ट इनकी जांच कर सकती है पर इस जांच का दायरा लिमिटेड होता है क्योंकि कोर्ट एक सरकार का प्रिविलेज मानती है कि वो कंपल्सरी रिटायर कर सकते हैं, इसके लिए इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई एक रीजन ऑर्डर की जरूरत नहीं है जी। पर अगर कोई एम्प्लॉय कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सारा मटेरियल मंगवा करके उसकी जांच कर सकती है कि ये सद्भावना से किया है या दुर्भावना से किया है, तो वो जांच संभव है। पल्लव सिसोदिया जी एक बड़े संक्षेप में एक अंतिम सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जिन कर्मचारियों पर इस तरह की कार्रवाई होती है उनके पास किसी तरह का कोई विकल्प बचता है क्या? कोर्ट में जाने का विकल्प है जी, न्यायालय में जाएं अपनी याचिका लेकर के, तो हो सकता है कि कोर्ट उसकी आगे जांच करके सर्विस रिकॉर्ड मंगा करके और जो दूसरा मटेरियल है सरकार से जवाब तलब करके जी चले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पल्लव सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगा, आपका रिएक्शन सरकार की इस कार्रवाई पर? एज ए अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ, मेरा रिएक्शन सिर्फ इतना है कि चूंकि अभी बहुत सारे तथ्य हमारे संज्ञान में नहीं है जी, और जिस तरह की बात योगी सरकार ने शुरू की है भ्रष्ट अधिकारियों को बर्दाश्त कोई नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे निर्दोष अधिकारी अगर उसके परिद में आते हैं तो ये चिंता की बात है, क्योंकि सरकारी सेवा में जो भी व्यक्ति काम करता है उसके ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं और उन दबावों के बीच वो काम करता है। जैसे विशेष रूप से वाणिज्य कर विभाग की अगर मैं बात करूं तो हमारा काम कर प्रशासन का है, कर प्रशासन में बहुत सारे दबाव अधिकारियों के ऊपर होते हैं, राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के दबाव होते हैं, करापुंजन को रोकने के दबाव होते हैं, और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किया है, ये जुडिशियल सिद्धांत है कि मैलाफाइड इंटेंशन से अगर कोई काम ना किया जाए तो वो सरकार उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। तो संघ का बहुत मजबूत और दृढ़ मत ये है कि यदि रेवेन्यू इंटरेस्ट में किसी अधिकारी ने काम किया है तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई भ्रष्ट आचरण में पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसका संघ कदापि समर्थन नहीं, तो इस तरह की कार्रवाई का विरोध होना चाहिए क्या? हाँ ना, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। नहीं, कार्रवाई का उस सीमा तक निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए कि अगर उसमें प्रिजुडिस्ट होकर कोई कार्रवाई की जाएगी तो विरोध होना चाहिए, लेकिन जो न्याय संगत प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई कार्रवाई होती है, जुडिशियल सिद्धांत जो है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत है उनका पालन करके कार्रवाई होती है, जैसे सरकारी सेवा में संतोषजनक सेवा का निर्धारण के तमाम शासनादेश है जिसमें ये निश्चित किया जाता है कि कब
अधिकारी या कर्मचारी की सेवा संतोषजनक है अथवा नहीं है, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये तय हो चुका है कि कब संतोषजनक सेवा होती है कब नहीं होती है। ठीक, तो इन जो नियम है शासनादेश है उनका पालन करते हुए अगर ये पाया जाता है, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि अगर नियमों के तहत अगर कार्रवाई की जाती है तो उस पर एतराज किया जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। विजय झा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए, आप महामंत्री हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के। विजय झा साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस तरह के कदम शुरू कर दिए हैं जैसा योगी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, आप पक्ष में हैं या आपको लगता है कि इसमें खामियां हैं, इसे नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। कर्मचारी संघ कई बार इससे भी अपील, ये जो कानून है स्वतंत्र होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने 15-10 लाख कर्मचारियों को बर्खास्त किया। मैं आपको बता, छत्तीसगढ़ में 37 कर्मचारी है। विजय जी, मैं आपको बीच में ही रोक रहा हूं, दरअसल आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। चंद्रभूषण पांडे जी, एक एक सवाल और भी उठता है कि अगर पदोन्नति और क्रमोन्नति में 5 साल के सर्विस रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाता है और इसमें पूरे सेवा काल को देखा जाता है, उसके आधार पर कार्रवाई की बात कही जाती है, तो ये प्रक्रिया सही है क्या? देखिए, पूरे सेवा काल देखने के पीछे अवधारणा यही है कि कोई अन्याय न होने पाए। कई बार होता है किसी कालखंड में, कई बार प्रेजुडिस चीजें हो सकती है, कभी कोई अधिकारी उच्चाधिकारी नाराज होकर के कुछ ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो किसी कर्मचारी अधिकारी के हित में हो। तो पूरा कार्यकाल किसी को देखा जाता, पूरा सेवाकाल देखा जाता, तो अमूमन उसमें सामान्यकरण करना आसान हो जाता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचना भी आसान हो जाता है कि इसका इतिहास क्या रहा अधिकारी कर्मचारी का। और इसमें देखिए बहुत स्पष्ट रही है कि देखिए इसमें बायस होने के बहुत खतरे नहीं रहते, क्योंकि भारतीय समाज जो है इतना संवेदनशील है कि किसी की नौकरी लेना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। और मैं तो देखिए मनोज त्रिपाठी जी भी एक लंबा सेवा इतिहास है, ये भी देखेंगे केशव लाल से लेके जो भी इनके विभाग में भी कुछ लोग हुए हैं वो कुख्यात लोग हैं, जनता के लोग भी उसको उंगलियों बताए कर सकते हैं किस विभाग में कौन लोगों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, कौन लोगों को सेवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए। देखिए अभी हम लोग टोकन रूप में चीजों को कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश यही है कि मैसेज जाना चाहिए अधिकारियों कर्मचारियों। एक जो सवाल संजीव मिश्रा जी की तरफ से था, चंद्रभूषण पांडे जी, एक जो सवाल संजीव मिश्रा जी की जिस पर आपत्ति थी और कृष्णकांत पांडे जी की भी कि 50 साल की उम्र का पैमाना ही क्यों तय कर रहे हैं, कार्रवाई कीजिए तो सभी ऐसे कर्मचारियों पर कीजिए। नहीं, ओ देखिए इसमें संजीव मिश्रा जी और कृष्णकांत पांडे जी शायद समझते हुए ना समझ बन रहे हैं। देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि केवल भ्रष्टाचार इसका पैमाना नहीं है। 50 की उम्र आने के बाद शारीरिक रूप से क्षमता प्राकृतिक रूप से भी कई लोगों में आ जाती है, कई उसके नैतिक एथिकल पक्ष है, भ्रष्टाचार का भी। आदमी जब धीरे धीरे सेवा में एक 10 साल 15 साल 20 साल होता है तभी तो जो रिटायरमेंट की उम्र है कहीं पर 60 है, कहीं 58 है, कहीं 62 है, तो फिर उस पर आपको नहीं लगता कि पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है कि पैमाना तय कर दीजिए कि 50 साल से ज्यादा उम्र तक सरकारी विभाग में नौकरी नहीं कर पाएगा? ठीक बात अक्षय जी, ठीक कहा। नहीं नहीं देखिए उसमें अक्षय जी मैं स्पष्ट कर दूं कि 50 वर्ष की जो सेवा काल है उसके पीछे 2-3 अवधारणा थी। एक तो पेंशनेबल सेवा हो जाती है कर्मचारी, देखिए उसके पीछे भी नैसर्गिक अवधारणा थी, नैसर्गिक न्याय की अवधारणा थी। 50 साल होते होते उसकी पेंशनेबल सर्विस भी हो जाती है, तो कम से कम अगर हम उसको रिटायर कर रहे हैं तो सेवा में पेंशन लेकर जा रहा है, नहीं दूसरी पेंशन है, ऐसा नहीं पेंशन नहीं समाप्त है, पेंशन का स्वरूप बदला है। तो देखिए ये मानना है मेरा कि कहीं ना कहीं से ये 50 साल की जो अवधारणा है वो कर्मचारी के हित में ही है, क्योंकि उसको एक पेंशन भी मिल जाती है और उसकी अक्षमता के शिकार समाज नहीं होता है। तो देखिए हमें समाज के साथ भी न्याय करना है, कर्मचारी हितों की भी कम से कम इतनी चिंता जरूर करनी है कि भाई उसके जो नैसर्गिक न्याय के मूल अधिकार है। नहीं तो कृष्णकांत पांडे जी, यहाँ पर कृष्णकांत पांडे जी की एक और चिंता थी, वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से जबरन रिटायरमेंट तो दे रहे हैं लेकिन नए लोगों को रोजगार के अवसर तो दीजिए, भर्तियां तो खोलिए कम से कम, वरना ये तो और दिक्कत हो जाएगी, काम कैसे करेंगे? कृष्णकांत पांडे जी को पता है कि उदारीकरण जब शुरू किया था इन्होंने, उदारीकरण करने के बाद 5वां वेतन आयोग और ये सब सारी चीजों की जो अवधारणा है, इनके आर्थिक सलाह जो तंत्र के सबसे बड़े पुरोधा मनमोहन सिंह ने तैयार किया और उन्होंने जो पहली फिलोसफी दी थी डाउन साइज दी गवर्नमेंट, और 1989 में 42 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार में हुआ करते थे, आज घट के 30 लाख हुए, जिसके पीछे कांग्रेस का लंबा कार्यकाल जिम्मेदार है। और जो पेंशन पॉलिसी की बात करें, इन्होंने 10 साल की सरकार के बाद संजीव मिश्रा जी को पेंशन को नई पॉलिसी ला दिया, संजीव मिश्रा जी के 50 साल का नियम क्यों बनाया? देखिए अक्षय जी, हाँ संजीव मिश्रा, ये सारी बहस बड़ी अच्छी बहुत सही चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने एक बात और पूछी थी, अगर वो भी उसका भी जवाब मिल गया होता तो शायद मुझे दोबारा नहीं पूछना पड़ता।
बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार भी दूर करने जा रही है और जो निकम्मे लोग हैं उनको भी हटाने जा रही है जी। मैंने शुरू में ही कहा था कि आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, कई प्रदेशों में भी सरकार है, उसमें जो मंत्री हैं जी 50 साल का पैमाना, मैं उसको जवाब दे देता हूं, पैमाना तय कर दीजिए, उसमें जो काम नकारे टाइप के मंत्री हैं उनको अगर आपने हटाया होता। आप लोग भी कोई सूची तैयार कर रहे हैं क्या संजीव मिश्रा जी? आप लोगों ने कुछ इस तरह की आजमाई शुरू की, इसलिए हटा दिए गए ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए मुद्दा ही बात है, 50 साल का पैमाना भ्रष्टाचार के मामले में तय करेंगे ये उचित नहीं है। अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति हुई, 2 साल हुए 5 साल हुए और वो करोड़पति हो गया है, तो आप उसकी जांच करा ली, आपके तमाम एजेंसियां हैं, और जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है निकाल के बाहर करिए, हम आपका सहयोग करते हैं, साथ देते हैं आपका, लेकिन ये तो 50 साल का पैमाना तय करना अनुचित है। एक एक व्यवस्था किया भाई, एक व्यवस्था अनिवार्य कर दीजिए। एक मिनट सुनिए ना, कृष्णकांत पांडे नहीं तय किया आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा अगर करना है, सर सवाल भी सुन लीजिए, कृष्णकांत पांडे जी सवाल भी सुन लीजिए, संजीव मिश्रा जी जो सवाल उठा रहे हैं ये तो बेहतर विकल्प है ना कि आप सभी राजनीतिक दल अपने पार्टी नेताओं से कहिए कि आप संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, कहां से आपने संपत्ति अर्जित की इसका विवरण दीजिए, अपने आप पहचान हो जाएगी, उसमें दिक्कत कहां है, लेकिन हिम्मत तो दिखाइए। बिल्कुल सही आपने कहा, हमारा केवल हम दो बातें केवल करना चाह रहे हैं कि आखिर कुछ जब 50 साल में हमारे मित्र का शारीरिक क्षमता दक्षता कम हो ना कम हो, लेकिन शारीरिक क्षमता कम हो जाती है 50 साल में, तो हम जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे सचिवालय सेवा के साथी है जो आज विशेष सचिव मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, क्या उनकी क्षमता ज्यादा प्रभावी है जो सेवा विस्तार के द्वारा मैं बात कर रहा हूँ, या उनकी जातीय क्षमता ज्यादा प्रभावी है? मैं संजीव मिश्रा जी से भी पूछ लीजिए, वो जो रिटायरमेंट के बाद, एक मिनट, रिटायरमेंट के बाद जो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बैठे हुए हैं सचिवालय सेवा के, उनकी कौन सी क्षमता ज्यादा है? आप सेवा विस्तार पे क्यों दे रहे हैं अगर 50 साल पे आप शारीरिक क्षमता, मानसिक दक्षता सब अगर कमजोर हो रही? दूसरी चीज, तमाम कॉलेजेज ऐसे हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तमाम कॉलेज है जहां रिटायरमेंट के बाद लोग लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में तो ऐसे तमाम है कि जहां रिटायरमेंट के बाद लिए जा रहे हैं, जितनी पेंशन है सैलरी से उतना माइनस करके तनख्वाह दी जाएगी। आखिर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि 60-62 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति जो रिटायरमेंट के बाद एज ए संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस लिया जा रहा है इसी योगी सरकार में, क्या वह घर एक आध महीना रह जाने के बाद क्या उसकी दक्षता क्षमता सारी बढ़ गई क्या? आखिर इसी सरकार में दो तरफा बातें क्यों? एक तरफ कर्मचारी, ठीक है कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो मैं भी उसके साथ नहीं खड़ा हूं, हम भी उसका विरोध करते हैं, सस्पेंड करिए, टर्मिनेट करिए उसके तमाम व्यवस्था। यादव सिंह जैसे अधिकारियों के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का एक्शन? देखिए वो तो हो रहा है, ऐसे अधिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत साफ, देश के किसी भी स्टेट में जाइए सर, उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबुओं के यहाँ पर करोड़ों की रकम पकड़ी जाती है जब छापे पड़ते हैं सर, नाम पे प्रताड़ित करने के लिए कर्मचारियों को, सर सिर्फ इस बात का डर, सिर्फ इस बात का डर कि कहीं प्रताड़ित ना किया जाए, सिर्फ इस बात का डर कि प्रताड़ित ना किया जाए, इसलिए सफाई अभियान चलाना बंद कर देना चाहिए। तमाम इनकाउंटर हुए, यादवेंद्र मिश्रा जी, यादवेंद्र मिश्रा जी, गुर्जर का आज तक मेरा सीधा सवाल ये है, सीधा सवाल ये है कि उन कर्मचारियों को डरने की जरूरत क्या है जो अपनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये डर किन लोगों को है? वही तो बेचारे डर रहे हैं। ये देखिए अभी बात ये उठ रही है कि वह 50 साल के बाद वह अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। मैंने तो स्क्रीन आउट होने के बाद में किसी ऐसे कर्मचारी और उसके परिवार को सड़क पे प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। वो प्रदर्शन करने के लिए घर से जैसे ही बाहर निकलेंगे अड़ोसी पड़ोसी कहेगा इसका तो आज भेद खुल गया, उसके ऑफिस वाले कहेंगे इसका भेद खुल गया। कहने का मतलब ये है कि वह कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य सारे उसमें मौज करते हैं तब तक जब तक वह आरोपी सिद्ध नहीं हो जाता। मनोज त्रिपाठी, सरकारी सिस्टम सवाल तो वही है कि सिस्टम में सुधार, तभी सिस्टम सुधार के लिए अच्छा कुछ उपाय तो करने होंगे। सिर्फ हम निगेटिव चीजें पहले सोच लें कि इसका दुष्परिणाम ये होगा, हम उसके फायदे क्यों नहीं देखते हैं? आने वाली नस्लों को आखिर देना क्या चाहते हैं? बेसिकली जो समस्या है इधर बीच कई सालों में ये समस्या पैदा हुई है कि काम को हमने महत्व देना कम कर दिया। जैसे हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे सरकारी नौकरी में इस तरह के
टेंडेंसी या प्रवृत्ति आ गई है कि काम की बजाय अन्य चीजों को महत्व दिया जाने लगा। तो बेसिकली हमें काम की महत्ता स्थापित करनी है। अगर काम की महत्ता हम स्थापित करने में सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्य संस्कृति में बेहतर बदलाव दिखाई देगा और वो बदलाव जनता को भी दिखाई देगा और प्रशासन में भी दिखाई देगा। तो मूल बात यही है कि कार्य करने की संस्कृति कैसे बेहतर करनी है और उसके लिए हमें कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे और हमें प्रोत्साहित भी करना पड़ेगा ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को। मैं सरकार के साथ अच्छा काम चाहता हूं इसलिए कि सरकार ये चाह रही है कि केंद्र की या गुजरात का पूरा पैटर्न सरकारी तंत्र में भी लागू किया जाए। हम इससे सहमत हैं, आप करिए, लेकिन जो आपने केंद्रीय कर्मचारियों की भांति आप कार्य योजना बना रहे हो, जो सारी कार्य योजना वो प्रदेश में लागू कर रहे हो, तो क्यों नहीं केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वह भी आप समान कर दीजिए। भले आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह कर्मचारी संगठनों से कमिट कर लीजिए कि ये सवाल ठीक है, इस पर हम चंद्रभूषण जी से जवाब देंगे, लेकिन लेकिन उससे पहले एक बार छत्तीसगढ़ का रुख एक बार फिर करेंगे। विजय झा जी हमारे साथ बने हुए हैं लेकिन तकनीकी खामी के चलते उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। विजय झा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, आपने कहा कि यह फैसला ठीक नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में भी इस तरह की कवायद शुरू हो चुकी है, क्यों आपको लगता है कि यह कदम नहीं उठाना चाहिए? डर आखिर किन कर्मचारियों को होना चाहिए? ये कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। ये जो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है वो तो यूपी सरकार से अलग कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान में 1947 के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 15 सरकारी कर्मचारियों का प्रधान टारगेट दिया। छत्तीसगढ़ में 47-42 श्रम विभाग के कर्मचारी जितने विजय झा जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश एक बार फिर कर रहे हैं कि आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से पहुंचे, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप तरफदारी कर रहे हैं ऐसे कर्मचारियों की जो काम में काम चोरी करते हैं, जिनकी छवि ठीक नहीं है, दागदार छवि है, आप समर्थन कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, छूट दे देनी चाहिए? हम उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। आम कर्मचारी को हिंदुस्तान अरे विजय जी, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। हम चाह रहे थे कि आपका भी इस पर रिएक्शन ठीक ढंग से आ जाए। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़े संक्षेप में सर, चर्चा के समापन का वक्त है। मनोज जी, मैं सिर्फ मिस्टर यादवेन जी ने जो एक बिंदु उठाया था कि जब हम कड़ाई करना चाहते हैं साथ साथ हमें प्रोत्साहन की बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब उसमें जैसे मैं अपने विभाग का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 1 जुलाई 2017 से जब वैट के स्थान पे जीएसटी कर प्रणाली लागू हुई और हम सेंट्रल के बराबर काम करने की स्थिति में आ गए, हमारा विभाग जो कमर्शियल टैक्स विभाग है और सेंट्रल का एक्साइज का विभाग एक समान काम करेगा। अब हमको अगर समान सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो एक तरफ आप जब हमसे अपेक्षा कर रहे हैं सुविधाओं की भी मांग रखनी चाहिए, बिल्कुल, अगर कमियों की बात हो रही तो उस पर सरकार का फोकस होना चाहिए कि सुविधाएं भी किस तरह से दी जाए। चंद्रभूषण पांडे जी, बड़े संक्षेप में एक रिएक्शन, सबसे संक्षेप में एक रिएक्शन। बस एक 15 सेकंड अक्षय जी लेना चाह रहा हूँ सर, सिर्फ 15 मिनट, प्लीज 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड। कि सरकार को यह तय करना चाहिए कि जब आप काम बराबर ले रहे हो तो दाम भी दो। आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कर्मचारियों को दसियों साल से नहीं मिला, आप साल डेढ़ साल का उनसे कमिटमेंट कर लिए, जैसे दिए आपने 2 महीने सर, मजबूरी अब कार्यक्रम के समापन का वक्त है, एक रिएक्शन जरूर चाहूंगा ताकि कृष्णकांत पांडे जी, संजीव मिश्रा जी, आप बाकी मेहमान भी जाएं तो थोड़ा संतुष्ट होकर जाएं कि भाई इस डिबेट में कुछ निष्कर्ष तो निकला। चंद्रभूषण पांडे जी, ये श्योरिटी कैसे होगी कि किसी के साथ दुर्भावनावश कार्रवाई नहीं होगी? ये श्योरिटी कैसे होगी कि उचित उचित लोगों के खिलाफ ही एक्शन होगा? जी 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 जी, देखिये, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में काम करने वाली जो सरकार है वो जाति और मजहब को ध्यान में रख के नहीं सोचती है। मेरिट पर काम होगा, मेरिट फैसला होगा और कानून अपना काम करेगा, निष्पक्षता से काम होगा। नंबर एक। दूसरा, चले सर, आपके सहयोगी विपक्षी दल हैं जो आपको अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं। अब चर्चा के समापन का भी वक्त हो गया है। बहुत शुक्रिया। अब कुछ नहीं समझ में आएगा लोगों को सर, इस तरह नहीं समझ आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
तो उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि जिस मकसद के साथ सरकार की तरफ से चाबुक चलाने की बात कही जा रही है वो किसी के खिलाफ दुर्भावनावश तहत कार्रवाई ना हो, साथ ही जो मोटिव है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में इसके जरिए कामयाबी मिलेगी, तो वो मोटिव कितना काम आता है, वो कितना पूरा होता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।